अध्यक्ष महोदय, मैं जिन बातों के लिए जीवन भर लड़ते आया और आज वो सपना पूरा हुआ है कि समाजवादी आंदोलन में हमारे ऊंची जाति के लोग, जिनको मैं आज स्मरण करता हूँ, डॉक्टर वैद्यनाथ झा, डॉक्टर शिवचंद्र झा, दिगंबर ठाकुर, भगीरथ झा, ये लोग जब हमारे साथ समाजवादी आंदोलन में चलते थे और कहते थे डॉक्टर लोहिया बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उस समय जब उनके घर पर मैं जाता था, वो साधारण परिवार के गरीब सब थे, तो वो मुझको कहते थे कि कभी आप लोगों का राज आएगा तो ये ऊंची जाति के ब्राह्मण के भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिएगा। तो उनके मन में एक अरमान था कि कभी पिछड़ी जाति का ऐसा आदमी सत्ता में आएगा जो संपूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए सोचेगा, और उस दिन ऊंची जाति के गरीबों के भी बच्चे की अरमान को पूरा करेगा। मैं सोचता हूं वह दिन आ गया। बिहार के अंदर रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जब लड़ते थे, मैं जानता हूं जब बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ 77 में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व का संघर्ष हुआ था, उस समय मेरी पार्टी में, उस समय जनता पार्टी में 33 राजपूत थे, उसमें से 17 राजपूतों ने कर्पूरी ठाकुर का समर्थन किया था, बाबू सत्येंद्र नारायण सिंह का समर्थन नहीं किया था। क्या उनका अरमान नहीं था? इसलिए 77 में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया 26%, तो उन्होंने दिया 12% पिछड़ा NXR 1, 8% NXR 2, 3% महिला, 3% आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब, उन्होंने शुरुआत की थी वहां थे। आज उसको बढ़ते बढ़ते हम यहां तक आए हैं। पिछड़ा वर्ग कमीशन का जब सवाल आया, इतने दिन नहीं हुआ जाने दीजिए, लेकिन मुझे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दे पाएगी, ऊंची जातियों के पार्टी वाले हैं ये कभी करेंगे? लेकिन जब ये आरक्षण का, पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा, तो उसके पास करने समय में भाई राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, गडकरी जी, ये कलराज मिश्र बैठे हैं, इन सभी ऊंची जातियों के लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को जब राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया, तो क्या ये पिछड़े वर्ग के लिए इनकी कुर्बानी नहीं है क्या? इनके इस कुर्बानी को भूल जाएंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देश में दो विचारधारा का द्वंद्व रहा है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे कुवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, एक है कट्टरपंथी और एक है उदारवादी। वाल्मीकि से लेकर के, मैं वहां से शुरू करूंगा, वाल्मीकि से लेकर समाजवादी आंदोलन की धारा में आज भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज तक उसी वाल्मीकि के उदारपंथी पर धारा के प्रतिपोषक हैं, इसलिए मैं इन सबों को धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी जब एक पिछड़े वर्ग के हैं, उन्होंने इस आरक्षण को लाया है। जिस समय कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में अध्यक्ष जी और हमारे साथियों, ऊंची जाति के साथियों, मुझे कंधा पर लेकर नेता बना रहे थे, आज सदन में गरजने वाले लोग हैं, उनका कहीं जन्म भी नहीं हुआ था। हमने क्या क्या नहीं भोगा और उसको भोगते हुए यहां तक आए, हमने सब देखा। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, क्या वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बनाने में जनेश्वर मिश्रा का इनके पसीना से कम योगदान है, ब्रजभूषण तिवारी का कम योगदान है, मोहन सिंह का कम योगदान है, राज नारायण का कम योगदान है? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? धन्यवाद दो उनको, ये ऊंची जाति के लोगों को, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि आप नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके इस खाद पर, इस नमक पर
पिछड़े और दलित समाज के कमल खिलेंगे, जो उन्होंने खाद बनने का काम किया, पसीना देने का काम किया, परिश्रम देने का काम किया, आज पिछड़े दलित के हाथ में सत्ता आई है तो उन गरीब ऊंची जाति के गरीब बेटे के आंख के आंसू नहीं पोछोगे तो ये राजनीतिक पाप होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जरा उदार बन के सोचो। कट्टरपंथी धारा का मैं सब दिन से विरोधी रहा हूं। कट्टरपंथी कोई भी धारा हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ये कट्टरपंथी जातवाद की धारा से मैं लड़ते आया। अगर नहीं लड़ता अध्यक्ष जी तो हुकुमदेव नारायण यादव आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों आता? मेरी लड़ाई किस बात की थी और आज भी लड़ाई है, जीवन के अंतिम क्षण तक उस कट्टरवाद के विरुद्ध में लड़ते आया हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। भारत ने हमेशा उदारवादी धारा को समर्थन किया है, माना है। आज यह विधेयक उसको लाके सामाजिक समरसता लाने में, ऊंच नीच का भेद मिटाने में, अंत में मैं कहूंगा, सुषमा स्वराज जी वहां लीडर ऑफ अपोजिशन थी, राजनारायण जी, राजनाथ जी, अडवाणी जी सब बैठते थे आगे, मैं दूसरी बेंच पर था। महिला आरक्षण विधेयक आया था, उसमें गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में हम पिछड़ों ने भाजपा में कहा था कि आरक्षण स्वीकार है, लेकिन महिला आरक्षण में पिछड़े और दलित के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। माननीय अडवाणी जी के अपने घर पर सबको बुलाए, पार्टी में सहमति बनी, उस विधेयक में आया कि साहब इनको मिलना चाहिए। लेकिन जब कभी हम पिछड़ा की बात डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें टांग लगा देती थी कि इसमें अल्पसंख्यक भी घुसाओ, अल्पसंख्यक भी घुसाओ। माने इनका पिछड़ा से क्या दुश्मनी है, मुझे समझ में नहीं आया। आजाद भारत में मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जाति का एक भी नेता पैदा किया हो तो बताओ। प्रादेशिक स्तर पर किए हुए हो तो बताओ। आपने पिछड़ा पिछड़ी जाति का इसलिए विरोध किया कि गैर कांग्रेस बात की राजनीति का विरोध करने वाला सबसे अग्रिम पंक्ति में पिछड़ी जाति का था। मुनियप्पा जी हाथ उठाओ, पीछे पीछे ढोल बजाने वाले की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है जो आगे चलता है। आगे कौन था, क्या मिला है आपको? इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज हिंदुस्तान में इस लोकसभा टीवी पर करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, पिछड़े देख रहे हैं, दलित देख रहे हैं, सवर्ण देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं उन सबों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आओ, श्री नरेंद्र मोदी ने जिस उदारवाद की धारा बहाई है उस उदारता को लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास। अगर उज्ज्वला योजना में गैस बांटा गया तो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, दलित है, अनुसूचित जाति है, मुस्लिम है, कहां उसमें कोई विवाद है? इसलिए जितने भी सरकार की योजना है सब गरीबों उन्मुखी है, झोपड़ी वाले के लिए है, गरीब के लिए है, निर्धन के लिए है, निर्बल के लिए है। आज ऊंची जाति के निर्बल और निर्धन के लिए भी यह आरक्षण का विधेयक आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश के करोड़ों नौजवानों को कहता हूं, उठो, नए भारत के निर्माण के लिए एक नया सूरज का उदय हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सूरज का अभिनंदन करो और इस समाज को सबको मिला के आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।